पहुंच गए भैया घर पे ना। तो यार हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुछ तो ऑफिशियल पे। आज आपका भाई उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, उस गांव के रेगिस्तान में रात को आ पहुंचा है। तो दोस्तों इस रेगिस्तान में कुछ कहानी ऐसी है कि आज से 2000 सालों पहले किसी राजा का शासन था। तो उस राजा के शासन मतलब राजा का जो सेना थी, उस सेना में एक सेनापति था। तो उसने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी, वो गलती मतलब कि वो जो गलती करी थी वो गलती आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाँव वालों कहना है कि जो उस गलती का नाम लेते हैं ना तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो उस गलती मतलब जो गलती करी थी उसका नहीं बताऊंगा मैं, और ना गाँव वालों ने बताया मेरे को। ऐसी गलती करी थी कि जो सेनापति है और सेनापति के साथ कुछ सैनिक थे, उसको यहाँ पे दफना दिया गया। और जो सेनापति था उसको एक मम्मी के रूप में, यानी कि चारों तरफ उसके शरीर के पट्टियाँ लगा के और कुछ काला जादू करके और एक संदूक के अंदर यहाँ पे दफना दिया गया उसको। ठीक है दोस्तों, आज से 2000 सालों पहले जब राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, देखने को आपको ये कहानी थोड़ी अजीब सी लगेगी, बाकी सच है। जो गावलन बताया था ना, काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी बताई थी आपके भाई ने, शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिए, क्योंकि तीनों भाई है बीच जंगल। भाई एक बार चारों तरफ घुमा दे, चारों तरफ जंगल है और प्लस पहाड़ है और यहाँ पे रेत के टीले और रेगिस्तान है चारों तरफ। तो कहा जाता है गाँव वालों का, जो आज भाई चलते चलते बात करते, जो गाँव वालों कहना है कि जब उसके दफनाया था ना तो इतनी बुरी मौत हुई थी उसकी कि आज भी जो सेनापति है उसकी आत्मा एक मम्मी से होती है ना, मम्मी के रूप में दिखाई देती है गांव वालों कहना है कि जो भी आज तक उस चीज को देखा ना मम्मी, तो वो जिंदा नहीं बच पाया। चाहे वो 4-5 दिन गांव में आके जी ले, बट उसके बाद में वो जी नहीं पाया, कैसे कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ तक तो कोई आने की भी नहीं सोचता है, कोई परिंदा भी पैर नहीं पग नहीं मारता इतना दूर। मतलब भाई को मतलब सॉरी उसको क्या ना बताया था, सेनापति को दफनाया था यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, बाकी चलते हैं, कुछ हद तक कहानी सच भी है, कुछ हद तक कुछ भी हो सकता है आगे, जो भी हो सकती है दोस्तों। क्योंकि जैसे आपने आपके भाई ने ये कहानी सुनी ना, तो आपका भाई आप पहुँचा इस लोकेशन पे। ठीक है, तो आज से रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि वीडियो को शुरू से देख के लास्ट तक देखना दोस्तों, बिल्कुल भी इसकी मत करना। ठीक है, वह चलते हैं ढूंढते हैं कि वो जहाँ तक गाँव वालों ने बताया और जो आपके भाई ने सुनी, आप लोगों ने भी सुनी है भाइयों, क्या सच में ये ऐसा होता है आज भी इस ज़माने में भी, क्या बस मम्मीज का वजूद है या नहीं है, वो पता करना आपका भाई इस लोकेशन पर आप पूछा है। ठीक है भाई, हड़बड़ी है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आपके भाई ने हड़बड़ी में काफ़ी कहानी छोटी मोटी बता डाली, बाकी लंबी चौड़ी कहानी दोस्तों अगर टाइम मिला तो लाइव आके बताऊंगा आप लोगों को इस जगह, इस जो वारदात हुई थी ना आज से 2000 सालों पहले इसके बारे में। ठीक है भाई, क्योंकि आपका भाई लाइव आया नहीं इस चैनल पे, इसलिए लाइव आऊंगा कि आप लोगों को पूरी घटना के बारे में बता सकूं। चौकने रहना भाई चारों तरफ, ठीक है, क्योंकि गांव वाला कोई रिएक्शन था ना बोलने का वो कुछ हद तक रियल था दोस्तों। डर एक बार तो एक तरफ से डर भी घुस गया था कि वह चले नहीं वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए रिस्क लेके इस लोकेशन में आप पहुँचो। भाई पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पे, तो एक तरफ पहाड़ एक तरफ रेगिस्तान। आपको सभी पता है कि यार बारिश हो रही है सब जगह। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल भी देखो बिल्कुल बारिश नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। ठीक है, आ जाओ गांव से काफी अंदर आए हुए अभी तीनों भाई। ठीक है, काफी दूर है, अगर हमारी हेल्प भी करने कोई भी नहीं आ सकता यहाँ पर कोई भी, क्योंकि आवाज भी नहीं पहुंच पाएगी किसी से। आ जाओ, हड्डी कोई इंसान की लग रही है, ये देखो हड्डी है बिल्कुल।
ये कहानी थोड़ी अजीब लगेगी आप लोगों सभी को यार, क्योंकि आज के जमाने में जो मम्मीस होती है क्या, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मम्मीस है, मैं भी विलीप नहीं करता हूँ ऐसी बातों से, बातों पे कि आज के जमाने में मम्मीस है, बट जैसे पता चला नहीं जो भी उस जगह की ओर जाता है तो जिंदा नहीं रह पाता, प्लस जो मतलब कि जो सेनापति बताया जा रहा था उसकी आत्मा आत्मा को काला जादू करके और एक संदूक के अंदर दफनाया था। ये सफेद सफेद क्या है यहाँ पर? तो उसका वजूद अभी भी है और लोगों को अभी तक भी दिखाई देती है वो, इसलिए आपको भाई इस रेगिस्तान में आप पहुंचे और चारों तरफ कर ले भाई, कोई भी लाइट नहीं, काफी दूर है भाई, कोई भी नहीं आसपास, अपने कोई भी लाइट का बिल्कुल भी गांव वाले कोई भी नहीं है। ठीक है भाई चलते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि बताया था कि जो सेकंड वाला आता है ना, फर्स्ट रेगिस्तान आ गया था, सेकंड स्टार्ट होता है ना वहीं पे उस सेनापति को और उस कुछ सैनिक को दफनाया था यहाँ पे काफ़ी सालों पे। लास्ट यही है ना? हाँ यही लास्ट है, तो ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा या आगे जाऊँगा क्योंकि यार घबराहट हो रही है आपको भाई को, खतरनाक को ज़्यादा डर लग रहा है। ओए दोस्तों थक गए हैं। दोस्तों काफी थक गया हूँ मैं, मतलब कि डेढ़ घंटा रेगुलर हो गया आपको भाई को यहाँ पे चलते चलते। टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है यहाँ पे ना, पत्थर भी थोड़े से अजीब है यहाँ पे। चार पर उजाला करने, चारों तरफ करता रहे, चारों तरफ, चारों तरफ करता रहेगा। ठीक है वो क्या कहाँ पे? तेरी वो तेरी भाई निकल यहाँ से भाई। नहीं तो आज के जमाने हकीकत में है तो यार, ये चल तो रही है देख भाई। दोस्तों आप लोगों को विश्वास हो रहा है नहीं हो रहा है, आज के जमाने मम्मी की आत्मा है, मम्मी कैच कर। ओ भाई भाई, अरे यार भाई कैप्चर हो रही है पूरी भाई। हाँ भाई, भाई कैप्चर हो रही है। हाँ भैया भाई, भाई इंदर निकल यहाँ से। लोगों कहने कि भाई जो भी देखा ना उसको आज तक जिंदा नहीं पाए भाई, भाई निकल यहाँ से। बाप रे क्या तैयार है वो आज के जमाने में भाई मम्मी से यार, वो तो चल रही, लोग गांव वाले बोल रहे सच बोल रहे हो भाई। पीछे कर, पीछे कर भाई, पीछे कर यार। पर ये लो मम्मी से भाई इतना जोर से धड़क रहा है भाई, भाई आवाज बाहर तक आ रही है। उस जो सेनापति है उसकी आत्मा सैनिक मतलब कि मम्मीज के रूप में आज सामने आई है भाई। भाई भाई एक बार वापस इच्छा है कि भाई वापस चले वहां पे। ठीक है भाई, वो ऊपर गया, वो ऊपर आ गई भाई, वापस जाने की इच्छा नहीं है यार भाई। दिख रही क्या? हाँ भाई वापस आ गए। हाँ आके आके देख आगा नहीं भाई। या भाई मेरे तो हाथ पग दूर, मैं तो नहीं चलूंगा भाई। साथ में रहना, ठीक है साथ में रहना भाई, यहाँ तक आए ना साथ में जिंदा चलेंगे यहाँ से। ठीक है जिंदा चलेंगे। या भाई गाँव वाले तो ये बोल रहे हो गांव में वापिस जिंदा आते बोले, वो जीते नहीं है ना भैया, क्या चलता है यार भाई। दिख रहा भाई, दिख रहा मम्मी
आज के जमाने में मम्मी दोस्तों, आप खुद विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता है, कमेंट जरूर करोगे भाई आज के जमाने कोई मम्मी सोती है क्या, बट दोस्तों रियल है ये। देखो चल तो रही है, देख कैसे चल रही है यार, ये निकलना है पड़ेगा भाई, भाई निकलते, मेरे को लग रहा है भाई यहाँ से निकलना ठीक रहेगा यार, मेरे को भी लग रहा है निकलना ठीक रहेगा। पीछे चल, पीछे चल भाई, पीछे भाई, भाई पास में कैसे आ रही भाई ये अचानक से, ये तो नीचे आ गया यार, भाई ना पीछे 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 भाई पीछे भाई, बोला नहीं जा रहा है मुंह से जवान, भाई जवान फिसल रही है मेरे भाई, उसको मत दिखा भाई, निकलते हैं पीछे कर, गायब हो गई, गायब हो गई भाई, मुझे लग रहा है कि उसके जो आने की क्षमता है वो शायद यहाँ तक ही है, क्योंकि पाबंद भी कर रखा उसको, यहाँ से बाहर नहीं निकले वो, कोई टाइम अगर कोई जगाना भी चाहिए ना उसको तो यहाँ से बाहर नहीं निकले, कुछ जादू डोनों से ऐसा कच कर रखा है कि वहाँ से वो जो एरिया बता रहा था 50 मीटर के अंदर अंदर ही हो सकता है, उसकी वजह बाहर नहीं आ सकती। तो दोस्तों आगा भाई क्या पता उसने यहाँ पे कालो जादू करा हो कि भाई ऐसा होता है उसको जगाने की, क्या पता उसके वजह से अगर आ जाए तो पूरा कंफर्म नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि गांव वालों कहना यही है कि घुमाना चारों तरफ, चारों तरफ घुमा, चारों तरफ घुमा, नहीं है दोस्तों। मुझे पता है कि आप सभी कमेंट आए कि भाई जो भी चीज़ देखते हो ना यार आप निकल के भाग जाते हो यहाँ से, तो भाई ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जान किसको प्यारी नहीं, सबको जान प्यारी है अपनी दोस्तों। और वापस आऊँगा ना आप इस लोकेशन पे तो पूरी टीम के साथ आऊँगा, कुछ भाइयों को लेकर आऊँगा साथ में, आप यहाँ से बस जिंदा निकल दूँ यार, जिंदा निकलना यहाँ से, निकलते निकलते सामने कुछ आज नहीं जा रहे, सामने नहीं आएगी वो चीज़ मुझे पता है, निकल ले भाई निकल, निकल चलो चलो निकल, नहीं आएगी नंदन, नहीं आएगी वो चीज़ मुझे पता है, 50 मीटर के दायरा मीटर के अंदर अंदर ही रहेगी, नहीं आएगी भाई, बाकी यहाँ से सीधा गुरुदेव के पास चलना है कि ऐसी कोई गलती होगी हमारे कि कुछ कहानी सुनी थी और उस कहानी के दौर पे हम चले गए वहाँ पे, और ऐसा सुना है कि मतलब कि जो भी उस चीज़ को देखे ना वो जिंदा नहीं बच पाया, सीधा गुरुदेव के पास चलेंगे, अगर कुछ वो जादू करता है हमारे पे कैसे कर कुछ हो जाए, हो ना हो हमारे पे, क्योंकि जान को सब, जान सबको प्यारी भाई, निकलते नहीं थे अब ज़्यादा हो गया भाई, मैं तो यहाँ क्यों लगा है जगह लगी